बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिसमीम् अल्लामक लाजमी हमारे आज के लेक्चर का हिस्सा आपकी दरसी किताब से नज़म नंबर नौ है नज़म का उन्मान है नसीहत अखलाकी जो आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर एक सौ उनतालीस से एक सौ इकतालीस तक तमाम तर मशी सवालात के साथ मौजूद है शायर हैं अकबर अलाबादी हम आगाज़ करेंगे सफ़ा नंबर एक सौ उनतालीस से जहाँ पर शायर का एक मुख्तसर अहवाल मौजूद है अकबर अलाबादी सन पैदाइश सन अट्ठारह सौ पैंतालीस सन वफात सन उन्नीस सौ इक्कीस असल नाम सैयद अकबर हुसैन और अकबर ही तखलस था अलाहाबाद में वलादत हुई रस्मी तालीम बहुत कम थी जाती कोश से वकालत का इम्तहान पास किया 1880 में जुडिशल सर्विस के लिए मंतखब हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अहदे तक पहुँचे उनका शुमार उर्दू के नामवर शोरा में होता है उनकी शायरी इम्तियाज़ी और इनफरादी खसूसियात की हामिल है इम्तियाज़ी आला बेहतरीन इनफरादी मुनफरद सबसे अलग और उनकी मकबूलीत का दारोमदार दार इन्हें सार होना मरकज़ होना उनकी तंजिया और ज़रिफाना शायरी पर है तंजिया तनकीदी तलख़ लहजे में की जाने वाली बात ज़रिफाना हल्के फुलके मिजाह के साथ बात करना मजा अंदाज़ में बात करना यानी तंस की तलख़ी थोड़ा कम करने की कोशिश करना यहाँ लबो लहजा थोड़ा सा नरम रखना अकबर ने अपनी शायरी का आगाज़ संजीदा कलाम से किया था लेकिन जल्द ही उन्होंने एक पयामी शायर का मनसब इख्तियार पयामी शायर, पैगाम देकर बात करने वाला उर्दू अदब शायरी की असलाह के हवाले से अगर हम मुरादी मायनों में देखें तो यहाँ कहा गया है कि अकबर अलाबादी ने एक नासह की हैसियत से नसीहत करने वाले की हैसियत से लोगों से अपने कलाम में खिताब किया मनसब उहदा जगह मुकाम अंग्रेज़ अंग्रेज़ जो तहजीब अपने साथ लाए थे वो अकबर को सख्त नापसंद थी चुनाचे कदीम तहजीब की हिमायत पुरानी रवायात की तरफदारी करना हिमायत हक में बोलना तरफदारी करना कदीम पुरानी और जदीद तहजीब नए दौर के रवायात नए दौर की अकदार इशारा किया गया है अंग्रेज़ की तरफ मुखालफत उनकी ज़िंदगी का नसु अैन रहा नसबुल अहम मकसद बुनियादी मकसद अपर बहुत बेखौफ आदमी थे नडर आदमी थे बहादुर थे सच और हक बात कहने से कभी नहीं घबराते थे सरकारी मुलाज़िम होने के बावजूद अंग्रेज़ी तहजीबो तमदन पर सख्त तनकीद करते रहे इस सिलसिले में आने वाली मुश्किल का अंदाज़ा लगाते हुए उन्होंने तनज और ज़राफ़त का अंदाज़ इख्तियार किया तनज़ व मिजा और तंजो ज़राफत, जहन में रखिएगा हम लेक्चर के बिल्कुल आखिर में इस पर थोड़ी सी बहस करेंगे उर्दू अदब की सिंफ है नसर में भी और नजम में भी उनके अंदाज और उसलूब ने ऐसी आलमगीर शोहरत इख्तियार की आलमगीर शोहरत बेकवामी सतह पर पूरी दुनिया में मशहूर हो जाना कि आज भी लोग उन्हें लिसान के नाम से याद करते हैं लिसानुल असर अपने अहद या जबान, जमाने में ज़बान का माहिर अपने दौर का जबान में माहिर इंसान यानी जिस जबान से उनका ताल्लुक़ था लिसानियात से लिसान निकला हुआ है असर दौर वक्त या ज़माना यानि अपने अहद में अपने दौर में अपने ज़माने में वो अपनी उस जबान पर मुकम्मल अबूर रखता था अकबर अबादी ने 1921 में अलाहाबाद में वफात पाई उनके मजमू कलाम में कलियात अकबर उर्दू अदब का हिस्सा है मुख्तर से जायजा लेंगे हवाल शायर की नस्बत से अकबर अलाबादी सन अट्ठारह सौ पैंतालीस से उन्नीस सौ इक्कीस तक इनका दौर रहा अकबर अलाबादी उर्दू अदब का एक अजीम नाम है बहसीयत शायर उन्होंने संजीदा कलाम से आगाज़ किया लेकिन जल्द ही अपना रास्ता बदल लिया और एक पयामी शायर के तौर पर मंजर आम पर आए अकबर मगरबी तहजीब और रवायात के सख्त मुखालिफ थे इसीलिए उनके कलाम में ये नापसंदी नज़र आती है अकबर का अंदाज बयाँ तंज व ज़राफ़त पर मबनी है उन्होंने ये अंदाज मकसद के तहत इख्तियार किया इसलिए तंज का निशाना मगरबी तहजीब होती और मिजाह में अपनी कौम के मजहका ख़ैज़ पहलू नुमाया करते उनका यह अंदाज उर्दू शायरी में एक नई रवायत क़ायम कर गया इस अंदाज बयान ने बहुत पज़ीराई हासिल की अकबर के कलाम में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है इसके अलावा आम फहम और सादा अल्फाज में अपनी बात पढ़ने वाले तक पहुंचा देते हैं अभी हमने अकबर के हवाले में पढ़ा था कि वो अंग्रेज़ी तहजीब के ख़िलाफ़ थे और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि अकबर के कलाम में अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है ये अंग्रेज़ी अल्फाज का इस्तेमाल भी उनके तंज का एक अंदाज़ था उर्दू तर्ज़ तहरीर में अंग्रेज़ी अल्फाज तहरीर करना ये भी उनके तंज का एक अंदाज़ था नज़म क्या है इसका तारुफ क्या है और इसके फ़नी महासिन क्या हैं नज़म का अनवान है नसीहत अखलाक़ी अखलाको किरदार के हवाले से बर्ताव के हवाले से एक नसीहत इसका तारफ़ और फ़नी महासिन के तौर पर हम आगे बढ़ेंगे नज़म बहुत सादा अंदाज बयान में है कोई मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए अलबत मरकबात और तराकीब पूरी नजम में जा बजा दिखाई देती हैं एक माशर्ती रवैया अकबर आलाबादी ने अपने कलम की ज़द में लाया किसी भी ख़ानदान में किसी भी घराने में अगर हम कदीम रवायात से यहाँ तक आते हुए देखें तो औलाद में फ़र्क करना छोटे बड़े की नस्बत से नहीं बेटे और बेटी की नस्बत से फ़र्क करना अभी भी बेशतर घराने ऐसे हैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि बेटे को बड़ा मोतबर जाना जाता है और बेटी को बहुत कमतर दर्जा दिया जाता है ज़रूरी नहीं है इसके लिए रोज़ाना ही कोई ऐसा जुमला बोला जाए बाजोक़त वालदे अपने रवैये से अपने लबो लहजे से ये बात साबित करते हैं कि वो अपने बेटे को बेटी पर बर्तरी दे रहे हैं जबकि अल्लाह दोनों को अपनी रहमत मेहरबानी और बरकत कहा है औलाद है ही बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की तरफ से खुदा का ये इनाम है ज़मीन पर वालदे के लिए लेकिन हमारा ये माशरती रवैया बहुत बुरी तरह से रवाज पकड़ चुका है बहुत पढ़े लिखी पढ़े लिखे ख़ानदानों में आज भी ये बात मौजूद है कि वो बेटी पर तालीमी हवाले से या उसके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हवाले से उसकी सोच के मुताबिक उस कदर खुले इस कदर खुले जहन के मालिक नहीं होते ना उस पर ख़र्च करने के हवाले से आ, ना उसे तालीम तरक्की की दौड़ में आगे जाने के हवाले से बेशतर घरानों में इस चीज़ को समझा भी जाता है लेकिन अभी भी ये एक पुरानी तकलीब मौजूद है कि बेटे को की कीमत समझना नस्ल की पासदारी करने वाला समझना या बेटे को अपने ख़ानदान का एक मतबर इंसान समझना और बेटी के बारे में यही सोचना कि वो हमारी चीज़ नहीं वो पराई हो जाएगी वो पराई अमानत है इस सोच के साथ बेटे और बेटी में फ़र्क करना गलत रवैया है ग़लत सोच है बहुत से लोगों की सोच ऐसी नहीं भी होगी लेकिन अभी भी हमारे दरमियान कहीं ना कहीं ये बात मौजूद है अभी अगर आप आमने सामने होते तो मैं चंद एक मिसालों से वजाहत कर देती आपको लेकिन यहाँ इस वक्त इस लेक्चर के थ्रू मेरे ख़्याल से इतना कहना काफ़ी है अकबर आबादी की ये नज़म औलाद में बेटे के हवाले से है नजम में ये बताया गया है कि हमारे माशरे में बेटे को क्या अहमियत दी जाती है एक अच्छे बेटे की क्या खसूसियात हैं उसे किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं ये तमाम बातें इस नजम का हिस्सा हैं मैंने जिस दाविये से नजम के बारे में सोचा है तो ये अकबर अलाबादी की एक हल्के फुलके तंस पर मबनी नज़म है लब तंजिया है गहरी सोच रखने वालों के लिए है अगर वो इसकी बारीकी और गहराई समझ सकें बहुत अच्छी बातें नसीहत के अंदाज़ में बयान की गई हैं ये तंज मस्बत पहलू के हवाले से है तंज बरए मस्बत मकसद के तहत है अगर इसे उस अंदाज या उस जाविए से सोचा जाए नजम को फ़नी महासन के तनाजर में देखते हैं तो इसमें तसलसल रवानी सादगी मरकबात और तरकीब का इस्तेमाल जा बजा मौजूद है आपकी ये नजम एक सादा नजम के अंदाज़ में अशार की सूरत में मौजूद है आपकी नजम में कुल बारह अशार हैं चौबीस मिसरे और बारह अशार हैं मैंने यहाँ अपने इस लेक्चर को थोड़ा मुख्तर रखने के लिए तीन तीन अशार का एक ग्रुप बना दिया है याद रखिएगा नज़म बंद की सूरत नहीं है किसी कते मुसदस या मुखम्मस की हैयत में नहीं है सादा नज़म है अशार की सूरत में है हर शेर में दो मिसरे हैं लेकिन यहाँ लेक्चर थोड़ा सा आसान और माननीज़ बनाने के लिए मैंने आपकी नज़म चार हिस्सों में तकसीम की है हर हिस्से में तरतीबार तीन अशार शामिल हैं। अशार का मफह अपने अपने हवाले से एक एक लाइन में है इसलिए मेरा नहीं ख़्याल आपको समझने में मुश्किल पेश आएगी बट लेकिन अपने जहन में ये बात रखिएगा कि नज़म में कोई बंद नहीं है ठीक है कहीं तशरी में किसी सवाल के जवाब में आपको किसी किस्म की उलझन ना हो आगे बढ़ते हैं अपनी नज़म की तरफ शेर नंबर एक दो तीन बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है आँखों का नूर है आँखों की रोशनी है आँख के लिए ठंडक है दूसरे लफ्ज़ों में आप सुकून भी कह सकते हैं है, है ज़िंदगी का लुत्फ ज़िंदगी का ज़िंदगी के लिए राहत और ख़ुशी का सबब तो दिल का सुरूर है दिल का सुरूर है दिल के लिए खुशी और सुकून का बायस है बेटे के बारे में लोगों के ये ख़यालात हैं शुरू में तीन अशार तमहीद बांधने के लिए माशरती रवैया बताने के लिए बयान किए गए हैं घर में इसी के दम से है हर समत रोशनी इसी के दम से इसकी वजह से बेटे की वजह से हर समत हर तरफ चारों तरफ रोशनी रौनक कह सकते हैं आप नाजा है इस पे बाप नाजा है नाज करता है फ़खर करता है उसके लिए फख्र का बास है तो माँ को गुरूर है गुरूर का मतलब भी है फख्र करना नाज़ करना यानी वालदे को अपनी औलाद में बेटे के होने पर बड़ा फख्र महसूस होता है ख़ुशकस्मती की इसको निशानी समझते हैं ख़ुशकस्मती खुशबी अच्छे वक्त की बरकत की रहमत की निशानी अलामत कहते हैं ये खुदा के करम का ूर है कहते हैं लोग कहते हैं करम का ूर करम मेहरबानी उसकी तरफ़ से नमत व बरकत कह सकते हैं आप ूर ज़ाहिर होना करम का ूर अल्लाह ताला की मेहरबानी ज़ाहिर करने का एक अंदाज अल्लाह की बरकत ज़ाहिर करने का एक अंदाज़ कहते हैं ना कि बेटी अल्लाह की रहमत है और बेटा अल्लाह की तरफ़ से नेमत करार दिया गया है औलाद वैसे भी अल्लाह की तरफ से वाले के लिए नेमत है लेकिन रहमत और बरकत या मेहरबानी के हवाले से थोड़ा सा फ़र्क यहाँ लोगों की तरफ़ से ज़रूर रखा गया है सादा से अशार हैं मफहम के तौर पे देखें आप पर थोड़ी सी और वजाहत हो जाएगी लोग कहते हैं बेटा दिलो नज़र और ज़िंदगी के लिए राहत व सुकून व ख़ुशी का बायस है बेटे की नस्बत ही घर में हर तरफ़ रोशनी होती है बेटा वाले का फख्र नाज भी होता है बेटा खुशनसीबी की अलामत भी समझा जाता है और उसे अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी भी समझा जाता है तीन अशार हैं तमहीदी तौर पे कहे गए हैं मुरक्कब तराकीब के साथ शायर ने अपनी बात वाजे करने की कोशिश की है आँखों का नूर जिंदगी का लुत्फ दिल का सुरूर करम का जहूर ये सब के सब मरकबे इजाफी है ये पहले तीन अशार थे अब हम अगले तीन अशार की तरफ पढ़ेंगे शेर नंबर चार पाँच और अकबर भी इस ख्याल से करता है इतफाक अकबर इस नजम का शायर अकबर आबादी अपनी ज़ात से मुखातिब हैं। इस ख्याल से जो शुरू के तीन अशार में बातें बयान की गई हैं कि बेटे को क्या क्या समझा जाता है उस ख्याल की तरफ इशारा किया गया है इतफ़ाक़ करना एतराफ़ करना मान लेना तस्लीम करना उस बात की हिमायत करना उसका भी है ये कॉल कि ऐसा ज़रूर है कॉल बात अहम बात यानी अकबर का भी ये कहना है उसकी तरफ़ से भी ये बात है वो पिछली बात की तयद करता है कि ऐसा ज़रूर है हाँ हकीकत यही है सच यही है जो कुछ बेटे के बारे में कहा गया वो सब कुछ सच है अलबत्ता शर्त ये है कि अलबत्ता मगर एक शर्त रख के बात की गई है शायर की तरफ से मशरूत अंदाज में बात की गई है अलबत्ता शर्त यह है कि बेटा है होनाहार होनाहार काबिल लाइक बहुत लाइक फाइक होना माइल है नेकियों पे बुराई से दूर है माइल है चल पड़ा है चल रहा है रवा है नेकियों पे नेकी के रास्ते पे बुराई से दूर है बुराई के रास्ते से दूर है बुराई से दूर हटा हुआ है यानी नेक और बद में फर्क कर सकता है सुनता है दिल लगा के सुनता है ध्यान देता है दिल लगा के दिल से खुशी से जबरदस्ती नहीं दिल से खुशी से बुजुर्गों की पंद को पंदो नसा है मुरकब अतफी है पंद कहते हैं नसीहत की बात फलाह की बात बेहतरी की बात इस्लाह की बात बुजुर्गों की पंद को बड़े बुजुर्गों की हर बात को वक्त कलाम गुफ्तु के दौरान बात करने के दौरान लब पे उसकी जुबा पे उसके लबों पे जनाब हुजूर है जनाब हुजूर, अदब आदाब के ज़ुमरे में इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज हैं अहतराम से बात करना यानी यहाँ पर यह कहा गया है कि जब उसके बुज़ुर्ग उसे कोई नसीहत करते हैं तो वह बड़ी तवज्जो से उनकी बात सुनता है और जब उन बुज़ुर्गों से मुखातिब होता है तो बड़े अदब आदाब और अहतराम से ख़्याल रखते हुए उन्हें इज़्ज़त देते हुए उनसे बात करता है बर्ताव उसका को मोहब्बत से है भरा सॉरी यहाँ जनाब हुजूर यहीं तक रहेंगे ये तीन अशार हमारे मुकम्मल होते हैं हम देखते हैं इसका मफह अकबर ख़ुद इस बात की तइद करता है कि बेटा खुशबी की अलामत है और अल्लाह का करम भी है ये सब कुछ दुरुस्त है मगर बेटे के लिए लाजिम है कि वो काबिल वही हो बुराई से दूर हो और नेकी की राह पर गजन हो एक बेटा ऐसा हो कि अपने बड़ों की नसीहतें सुनकर उन पर दिल से अमल पैरा हो दौरान गुफ्तु बुज़ुर्गों के अदब एहतराम का भी खास ख्याल रखता हो यानी अपने बड़ों की बात पे ध्यान देता हो तोज्जा देता हो अपनी मनमानी ना करता हो अपने बुज़ुर्गों की बात उसके लिए अहमियत के काबिल हो अगले तीन अशार हम देखेंगे शेर नंबर सात आठ नौ और ये शुरू होंगे यहां से बर्ताव उसका को मोहब्बत से है भरा इसमें ना है फरेब ना मकर बर्ताव उसका सलूक उसका अंदाजे गुफ्तु उसका लोगों से बातचीत करने का अंदाज उसका बेटे का को मोहब्बत लफ्ज सच्चाई को कहते हैं यहाँ दरअसल मतलब लिया गया है इसका पुरखलूस नीयत रखना अखलास से खलूस नीयत से बर्ताव उसका को मोहब्बत से है भरा को मोहब्बत पुरखलूस नीयत से सच्चाई से यानी वो जिसके साथ जो रवैया इख्तियार किए हुए है उसमें कोई झूठ नहीं है गलत बयानी नहीं है वो जो कुछ कर रहा है बहुत दिल से कर रहा है मोहब्बत से है भरा यानी उसका दिल इस मोहब्बत से इस सच्चाई से भरा हुआ है इसमें ना है फरेब फरेब धोखा ना है मकर जोर है फरेब ना है मकर जोर है मकर जोर वैसे मकर कहते हैं धोखा दही को आ, बहाने बनाकर किसी काम से कतरा जाना या झूठ का सहारा लेकर ख़ाह मखा का कोई बहाना घड़ के खमखा की कोई बात ऐसी करके धोखा दही की कोशिश करना मकर ज़ोर मरकब अतफ़ी के हवाले से यहाँ पर बात की गई है ज़ोर ज़बरदस्ती नाजायज़ बात मनाने की तरफ इशारा किया गया है सादा लफ्ज़ों में क्या बात कही गई है कि बेटा ऐसा हो कि उसमें धोखा दही झूठ मकर और फरेब जैसी कोई बात ना हो अफकार वालदे में है दिल से वो शरीक अफकारे वालद्देन फ़िक्र से निकला हुआ है अफकार फिक्र करना अफकारे वालदे फ़िक्र वालदे अपने वालदे की फ़िक्र या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं अपने वालदे का ख़याल रखने में दिल से है दिल से वो शरीक दिल से वो शरीक है यानी उसका दिल अपने वालद की देखभाल उनके अदब एहतराम की तरफ माइल है उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से उस तरफ़ नहीं लाना पड़ता हमदर्द है रहम दिल है हमदर्दी करने वाला है मोहब्बत के जज्बात रखता है मोइन है मुआवन है मददगार है गम ख्वार है दुख बांटने वाला है अहल शूर है उसका ताल्लुक़ दाना और आक़िल लोगों से है, अक्लमंद है दानिशमंद है राज़ी है रजामंद है उस पे बाप की जो कुछ हो मसले राज़ी है उस पे बाप की जो कुछ हो मसलहत इस बात पर वो रज़ामंदी का इजहार करता है उसके वालिद या उसके बुज़ुर्ग उससे जो भी बात कहें यानी हुक्म के अंदाज़ में कोई बात कहना अपना फ़ैसला सुना देना उसकी बेहतरी के लिए उसके वालदेन या उसके वालिद कोई भी बात कहते हैं तो वो उसमें किसी किस्म की आ, उस पर किसी किस्म की नुकता नुकताचीनी नहीं करता बल्कि वो अपने वालिद की कही हुई हर बात पर रज़ामंद है उनका हर फैसला उनकी हर बात दिल से तस्लीम करता है साबिर है सब्र करने वाला है, हैब्र करने वाले को कहते हैं साबिर सब्र करने वाला है तहमुल से काम लेने वाला है बादब है अदब आदाब रखता है अदब से चलने वाला है तमीज़दार है, तहज़ीब याफ्ता है अकीलो गयूर है अकील अक्ल अक़ल रखने वाला है गयूर गैरतमंद है वाओ, कितनी सारी क्वालिटीज़ कितनी सारी खसूसियात एक बेटे की बयान की गई हैं अपने आसपास दाएं दाएँ बाएँ देखें ना क्या हमारे भाइयों में और क्या हमारे घरों में ये तमाम खसूसियात एक साथ मौजूद है अगरचे अकबर आलाबादी ने यहाँ पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बयान कर दिया है लेकिन मेरे ख़्याल से बेटा होने की नस्बत अगर वो वह की अलामत है तो उसमें ये तमाम खसूसियात पाई जानी चाहिए ठीक हो गया चलें मफहम के तौर पर देखते हैं इन अशार को एक बेटे की ये भी खसूसियत है कि वो सादक हो पुरखलूस हो उसमें झूठ और धोखा ना हो वाले की फ़िक्र करने वाला हो उनका दिल से ख़्याल रखने वाला हो बेटा हमदर्द भी हो मदद का जज्बा भी रखता हो और अकलो दानिश से काम भी लेता हो अपने वालिद के हर फैसले में दिल से खुश हो सब्र से काम ले इज्जत करने वाला भी हो और दाना और ग़ैरतमंद भी हो कितनी सारी खसूसियात है ना एक साथ ये तमाम की तमाम क्वालिटीज़ ये तमाम की तमाम बातें अकबर अलाबादी की नज़र में एक बेटे के अंदर होनी चाहिए अगले तीन अशार देखिएगा शेर नंबर दस ग्यारह बारह रखता है खानदान की इज्जत का वो ख्याल जिस खानदान में वो रह रहा है जो उसका हसब नसब है जो उसकी पहचान है उस खानदान की इज्जत का ख्याल रखने वाला हो नेकों का दोस्त नेक लोगों से दोस्ती रखने वाला हो सोहबत बद से नफर हो सोहबत मजलिस या महफिल को कहते हैं सोहबत बद बुरी महफिल या बुरी मजलिस से नफूर हो नफ़रत करने वाला हो दूर रहने वाला हो कस्बे कमाल की है शब रोज़ उसको धुन कस्बे कमाल कोई अच्छा काम करने की बेहतरीन काम करने की उम्दा व आला काम करने की शब व रोज़ मरकब अतफी है मतलब है यहाँ पर दिन रात सुबह शाम हर वक्त धुन हो शौक़ हो लगन हो आगे बढ़ना चाहता हूँ हुनर के हुनर के शौक का दिल में वफूर हो, हुनर के शौक से यहाँ पर मतलब है तरक्की की राह पर आगे बढ़ने के लिए तरक्की करने के लिए दुनिया में आगे जाने के लिए वफूर है वफूर का मतलब है वाफिर मिकदार में होना कसरत से होना बहुत ज्यादा होना लेकिन जो इन सफात का मतलब नहीं पता इन सफात का कौन सी सफात काफत की सिफ्त की जमा है सफात सफात कहते हैं इंग्लिश में आप कहते हैं क्वालिटीज़ गुड और बैड अलग अलग हो जाती हैं उर्दू में हम कहेंगे खसूसियात सफात उर्दू में क्या है, खूसियात अच्छी भी हो सकती हैं बुरी भी खूबी भी हो सकती है खामी भी हो सकती है इन सफात का कौन सी सफ़ात का कौन सी खसूसियात का जो इससे पहले ग्यारह अशार में बयान की गई हैं वो तमाम खसूसियात जो एक बेटे से मंसूब की गई हैं मतलब नहीं पता बिल्कुल भी नहीं पता अगर वो नहीं जानता यानी अगर तो ये तमाम खसूसियात जो यहाँ पर बयान की गई हैं वो सब की सब एक बेटे में मौजूद नहीं हैं तो शुरू के तीन अशार तमहीदी अशार थे शेर नंबर चार से देखें चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह यहाँ तक शेर नंबर चार से शेर नंबर ग्यारह तक एक अच्छे बेटे की खसूसियात बयान की गई हैं अकबर अलाबादी आखिरी शेर में कहते हैं अगर ये तमाम खसूसियात एक बेटे में मौजूद नहीं हैं वैन भी जानते हैं और बेटा भी जानता है उनमें ये तमाम बातें अगर मौजूद नहीं हैं तो और फिर भी है ख़ुशी और इसके बावजूद भी वो अपने बेटे पे नाश करते हैं उसे खुश बख्ती की अलामत समझते हैं उससे खुश होते हैं तो ख़ुशी का कसूर है तो ख़ुशी का कसूर है यानी फिर ये तो बहुत बड़ी ग़लत फहमी है ये खुशी तो ना हुई ये तो फिर ख़ुशी जो है वो एकदम इंसान के लिए गम या दुख में बदल गई समझ आई आपको ये बात मफहम देखिए बेटे को ख़ानदान की इज़्ज़त का हरदम ख्याल होना चाहिए नेक लोगों का दोस्त हो और बुरे लोगों से खुद को दूर रखें अच्छे और नेक काम का शौकीन हो, होल् इल्म, हुनर से दिलचस्पी रखने वाला हो दिल में हर अच्छे काम की ख्वाहिश भी रखता हो लेकिन अगर मंदरजा बाला तमाम खसूसियात एक बेटे में बिल्कुल भी ना हो, वो इनसे वाकिफ ना हो और फिर भी वालदे के लिए बेटा ही सबसे बड़ी खुशी हो तो यकीनन इससे बड़ी गलतफहमी और कोई नहीं हो सकती समझ आई यहाँ तक बात आपको अगले स्टेप पे हम देखेंगे नजम का मरकजी ख्याल मस्कुरा नजम में शायर ने माशरती रवैये के हवाले से किसी कदर तंजिया अंदाज में बात की है हमारे माशरे में बेटे का होना बाईस से सद सदा इफ्तार समझा और माना जाता है जो अहमियत बेटे को दी जाती है वो बेटी की नहीं होती अक्सर घरानों में बेटा और बेटी का फ़र्क रवा रखा जाता है जो कि ग़लत है बेटा भी अल्लाह ताला की खास इनायत है लेकिन अगर वो कुछ अहम और बुनियादी खसूसियात का मालिक ना हो तो वो कतन खुशी की अलामत नहीं बन सकता एक बेटे के लिए जरूरी है कि वो अपने वालदे का ताहायात फर्माबर्दार हो नेक और साले हो साबिर और शाकिर हो नेक आदात व अतवार का मालिक हो बादब और गैरतमंद भी हो अगर ये तमाम खसूसियात एक बेटे में ना हों तो फिर बेटे का वजूद खुशी का बायस हरगिज़ नहीं हो सकता <coughs> एक छोटी सी बात यहाँ नसीहत के तौर पे मैं आपसे कहूँगी किसी भी घर में वालदेन के लिए बेटा और बेटी दोनों एक सा मुकाम रखते हैं बेटे पर थोड़ी सी नज़र इनायत ज़्यादा हो जाती है ना चाहते हुए भी या बेटियाँ इस कदर नाजुक तबियत रखने वाली या ज़रा सेंसिटिव सी ऐसी होती हैं कि वो छोटी छोटी बात अपने लिए ज़रा कमतरी के अंदाज़ में महसूस करती हैं ऐसा होना नहीं चाहिए यहाँ जिस माशरती रवैये के बारे में बयान किया गया है वो बड़ा सख्त और ज़रा गहरा किस्म का रवैया है अगरचे हमारे माशरे में अब ऐसा पढ़ा लिखा तबका आ रहा है सामने जो ये फ़र्क मिटा के चलने की कोशिश ज़रूर कर रहा है तो बहुत मुमकिन है मुस्तबिल करीब में शायद ये फ़र्क उस तरह से बाकी ना रहे आपके लिए मेरी छोटी सी नसीहत यह है बेटा हो या बेटी वालदे मोतबर हैं वालदे काबिल इज़्ज़त हैं वाल्डेन का मुकाम दुनिया में कोई रिश्ता कोई और इंसान नहीं ले सकता अल्लाह ताला के बाद अगर ज़मीन पर आपका कोई बेहतरीन दोस्त है या आपकी भलाई चाहने वाला कोई रिश्ता है तो वो वालदे से ज़्यादा मोतबर नहीं हो सकता आप बेटा हैं या बेटी अपने वाले की इज्जत करें उनका एहतराम अपने लिए ज़िंदगी का लाजमी फ़र्ज समझें आपकी ज़िंदगी का पहला मकसद अपने वाले की फरमाबरदारी बरदारी है क्योंकि सब कुछ दुनिया नहीं है और ना ही इस दुनिया से आंखें बंद कर लेने के बाद हशर के मैदान में केमिस्ट्री फिज़िक्स बायो मैथ्स साइकोलॉजी इकनॉमिक्स होम इकनॉमिक्स फ़ाइन आर्ट्स कंप्यूटर साइंस पाकिस्तान स्टडीज़ उर्दू इस्लामियात इंग्लिश इन हवालों से सवालत पूछे जाएंगे हमारे ये माशरती रवैये हमारे आमाल नामे में मनफी और मस्बत त देकर अलग अलग हमारी शख्सियत बयान करते हैं कोशिश करें अपने वालदे के हक़ में मुखलस रहें अपने वालदे के हक़ में अतात गुजार रहें और यकीन करें वालदे की दुआ से और उनकी दिली खुशी से बड़ी किसी भी इंसान के लिए कोई और कामयाबी नहीं हो सकती ठीक आगे बढ़ते हैं नजम की मश्क की तरफ छोटी सी मश्क है अगर अगरचे तमाम तर की सवाल का हल आपके नोट्स में मौजूद है जवाब के साथ लेकिन एक नज़र हम यहाँ पर ज़रूर डालेंगे जैसे यहाँ सवाल नंबर एक है एक होनहार बेटे की खसूसियात तहरीर करें यहाँ अगर आप देखें तो शेर नंबर पाँच से शेर नंबर पाँच से नंबर ग्यारह तक एक होनहार बेटे की तमाम तर खूसियात दी गई हैं दूसरे लफ्ज़ों में आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि नज़म का ख़ुलासा तहरीर करें ये दोनों सवाल तकरीबन एक जैसे हैं ख़ुलासे में थोड़ा सा ये ज़रूर है कि नज़म के शुरू के तीन चार अशार तमहीदी मुबास्स के तौर पर एक दो जुमला उठा लेंगे और नज़म का आखिरी शेर जो है अकबर आबादी की तरफ़ से जो कहा गया है वो शेर थोड़ा सा एक मुनफरद या अलग मानी ज़रूर देगा सवाल नंबर एक पर बुनियाद बनाते हुए अगर हम देखते हैं तो होनहार बेटे की खसूसियात मांगी गई हैं चाहे तो पॉइंट्स बना के नक़ात की सूरत में लिख लें या फिर तीन से चार सत्रों तक महदूद जवाब लिखें चंद अहम और ख़ास बातें उठा लें शेर नंबर पाँच से नंबर ग्यारह तक तमाम खसूसियात मौजूद हैं चंद ख़ास ख़ास बातें यहाँ से उठा लीजिए। नजम का ख़ुलासा आप ख़ुद तहरीर करेंगे जिस तरह से आपने पिछली नजम का ख़ुलासा तहरीर किया है सवाल नंबर तीन मंदरजा फाज मरकबात के मायनी लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल करें मायनी आपके पास हर शेर के हवाले से इसी लेक्चर में स्लाइड्स पर मौजूद हैं नाज़ा फख्र करना गुरूर का अंदाज़ नाज करना बेानतहा खुशी का इजहार करना यानी रश के साथ खुशी का इजहार करना जहूर ज़ाहिर होना सामने आना नज़र आना मकर जोर झूठ धोखा फ़रेब या आप कह सकते हैं जोर ज़बरदस्ती से किसी के साथ धोखा या फरेब करना जानबूझकर कर किसी को धोखा देना कस्बे कमाल अहम काम आला काम बेहतरीन काम अच्छे काम अहल शूर वो लोग जो अक्ल दानिश रखते हैं जो शुरू रखते हैं जो समझ रखते हैं सवाल नंबर पाँच है सवाल नंबर चार है नज़म का मरकज़ी ख़याल इससे पहली वाली स्लाइड में हम इसे बयान कर चुके हैं सवाल नंबर पाँच है नज़म के कवाफी लिखिए काफ़िया की जमा कवाफी है ये भी आप खुद कर लेंगे उसके बाद सफ़ा नंबर एक सौ इकतालीस पर ब्लू कलर के बॉक्स में हिदायत बरए इस के तौर पर एक जुमला दिया गया है ग़ौर से देखिएगा तलबा को तन्ज़ मिजाक की तारीफ़ बताएं नेज़ दोनों के फ़र्क और अहमियत से रोशनास कराएं यहाँ देख लीजिए तंज़ मिजाक की एक सादा सी तारीफ़ मौजूद है उर्दू अदब में ये मरकब लफ्ज़ दोनों अलफाज को अलग अलग करके नहीं पढ़ेंगे एक लफ्स है मरक्ब लफ्ज़ है अगरचि मायनी मुख्तलफ़ रखता है उर्दू अदब में ये मुरकब लफ्ज़ आम तौर पर सां में मुस्तमिल है यानी दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते लेकिन अलग अलग ये दो लफ्स बहवाला मायनी जुदा हैं तंजो मिजा अदब की सिंफ है और नसर व नज़म दोनों में पाई जाती है तंज के मायनी नुकता चीनी करना कड़वी और सख्त बात कहना है जबकि मिजाक का मायनी खुश तबी हंसी मिजाक की बात करना है उर्दू अदब में दोनों का चोली दामन का साथ है इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता जहाँ तंज अपनी तलखी के साथ ताना देते हुए कड़वी बात कहता है वहाँ मिजा की शीरीनी ये तलखी किसी हद तक कम कर देती है तंज सच कह देता है और मिजाह असल मौकफ आसानी से बयान कर देता है दोनों का फ़र्क तारीफ़ के साथ और उसकी अहमियत भी वाज हो गई है आपके कोर्स का हिस्सा है नजरअंदाज ना कीजिएगा यहाँ अख्तित होता है इस नज़म का इन शाला ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते हम दो गजलियात पढ़ कर करेंगे आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ के साथ आज अपने इस लेक्चर का अख्ताम करती हूँ कि अल्लाह रबुल्ज़त आप सबको अपने वालदे के हक़ में नेक और साले औलाद करें आमीन खुश रहें अल्लाह हाफ